है शरीर अपना एक मन फिर रखो इसका ध्यान, तब जाकर तुम बन सकते हो एक दिन शक्तिमान। खेल बाबा खेल। अरे राजू बंटी, तुम लोग अभी तक कैरम से ही छिपके हो। तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? गंगाधर आया तो उसे दो बार हरा के भेजा। अच्छा बस बस नेहा, देखना एक दिन मैं भी उसे शतरंज में हराऊंगा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। तू क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वो पहले ही तुझे 13 सवाल दे गया रिसर्च करने के लिए। 13 सवाल? हाँ हाँ। कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ उसने पूछा। वैज्ञानिक महोदय, क्या आप ये बता सकते हैं कि शतरंज में राजा होता है तो रानी क्यों नहीं, और केरम में रानी होती है तो राजा क्यों नहीं? मुझसे हार कर गया ना, इसलिए उलझा गया। हट। अच्छा अभी फिलहाल गेम बंद करो, 12 बजे वाले हैं। एब्सोल्युटली राइट। शक्तिमान। बहुत बहुत सही कहा तुमने। अगर ये बच्चे इसी तरह से घर की चार दीवारी के अंदर बैठ कर इंडोर गेम्स खेलते रहे तो इनके शरीर के 12 तो बज ही जाएंगे। हमारे शरीर के 12 बज जाएंगे? बचपन की उम्र होती है बच्चों जिसमें हमारे शरीर का अधिकतम विकास होता है, इसलिए इस उम्र में इंडोर गेम्स अर्थात घर की चार दीवारी के बीच में खेलने वाले गेम छोड़कर बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। तो क्या शक्तिमान तो क्या शक्तिमान इंडोर गेम से शारीरिक विकास नहीं होता? होता है, परंतु नाम मात्र का होता है, अर्थात रिक्वायरमेंट से बहुत कम होता है। वो कैसे? लगातार कई घंटे एक ही स्थान पर बैठकर खेलते रहने से कमर और घुटनों का दर्द शुरू होने लगता है, पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है और शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है। और वो जो तुम लोग वीडियो गेम्स खेलते हो ना, वो टेलीविजन के आगे बैठकर वो घंटों अपने अंगूठों से चला चला कर वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, उससे बच्चों तुम्हारे ये अंगूठे तो मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारा ये दिमाग इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये सारा शरीर वैसे का वैसे ही रह जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। उल्टा तुम्हारी आंखों का बेड़ा गर्क भी हो सकता है उसमें। इन कारणों से हमारा शरीर कई रोगों का शिकार हो सकता है, समझे? लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि कैरम और शतरंज जैसे इंडोर गेम्स बुरे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। उनसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मानसिक विकास होता है, लेकिन शरीर के विकास के लिए बचपन में बाहर खेले जाने वाले गेम्स यानी आउटडोर गेम्स ही ज्यादा अच्छे होते हैं। पर मैं क्या करूं शक्तिमान, जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं सब लोग मुझे 0 पर आउट कर देते हैं, तो मैं क्यों खेलूं क्रिकेट? और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? जब तक मैं क्रिकेट में कैरम की तरह चैंपियन नहीं बन जाता तब तक मैं नहीं खेलूंगा क्रिकेट। वाह बहुत अच्छे, यानी बिना क्रिकेट खेले ही क्रिकेट में चैंपियन बनने की कसम खाए बैठे हो तुम। लेकिन बच्चों क्रिकेट ही क्यों, सिर्फ क्रिकेट ही आउटडोर गेम नहीं है, और भी बहुत सारे आउटडोर गेम्स हैं। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, खो खो, कबड्डी। बच्चों हम बचपन में जब छोटे से थे ना तो हम चोर पुलिस खेला करते थे, हम चोर बनते थे बाकी लोग पुलिस, भागते रहते थे। अरे हम तो किती किती भी खेला करते थे, एक टीम झुक जाती थी दूसरी टीम उस पर बैठ जाती थी और पूछती थी किती किती। अरे राजू मान जाओ, इस तरह के गेम्स खेलने से हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचता है। फायदा? हम तभी मानेंगे जब आप हमें ये खेल खेल कर दिखाओगे, क्यों नहीं? हां बंटी यस। ऐसा तो फिर चलिए। इतनी जल्दी थक गए तुम लोग? देखा इस एक आउटडोर गेम से तुम्हारे शरीर में रक्त का संचार कितनी अच्छी तरह से होने लगा है, शरीर के हर भाग में रक्त सही मात्रा में पहुंचने लगा है, इससे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी के रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। इन खेलों से
हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और मसल्स की ताकत बढ़ती है। दौड़ धूप करने से पसीना निकलता है, देखो कितना पसीना निकला है तुम्हारा। इस पसीने के साथ तुम लोगों के सारे शरीर का विकार बाहर निकल जाता है। पसीना आने से शरीर में स्फूर्ति आती है, ताकत आती है। लेकिन मास्टर जी, जब मुझे कोई सवाल पूछते तो ऐसे ही पसीना निकल आता है, उस समय मुझ में ना ही कोई ताकत और ना ही कोई स्फूर्ति रहती है। उसमें और इसमें बहुत फर्क है, वो डर का पसीना है और ये गेम का पसीना है। चलो कमान आओ, कमान कमान, डोंट बी लेजी, कमान कमान। मिस्टर बंची, आप ये बताएंगे कि इस गेम में हमारे शरीर के कौन से पार्ट्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा हो रही है? हाथों की। गुड। और पैरों की। गुड। गुड। बाकी अंगों के अलावा इसमें आंखों का सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्या वीडियो गेम्स में आंखों का ऐसा फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, कम कम नेहा। और अब सुनिए, आउटडोर गेम्स का सबसे बड़ा फायदा, जब हम सांस खींचते हैं तो हवा नाक में से जाकर सर्वप्रथम मस्तिष्क में जाती है, उसके बाद फेफड़ों में जाती है और वहां से पूरे शरीर में वितरित होती है। और दूसरी बात ये कि खींची हुई सांस में से सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की दिमाग में खर्च होती है, पूरे शरीर से ज्यादा। अच्छा क्या बता दिया, अब बंटी को रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि अगर मस्तिष्क को सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? मेमोरी लॉस हो सकती, यानी कि याददाश्त कम होती जाती है। दूरदर्शिता और सूझबूझ जैसे गुण घटते चले जाते, शरीर कांतिहीन हो जाता है, आप में स्फूर्ति और ताजगी कभी नहीं आएगी। जरा से भी आप मेहनत करोगे तो आप लोग थक जाओगे। बाप रे, ऑक्सीजन ना मिलने से इतने नुकसान? ये तो कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर तो सब कुछ खत्म ही समझो। फायर लिट्स वेयर ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स, आग वहीं जलती है जहां पर ऑक्सीजन रहती है। हवा जीवन का आधार है, ऑक्सीजन प्राण है। अगर आप लोग आउटडोर गेम्स खेलोगे तो ताजी हवा पाओगे ऑक्सीजन से भरपूर, और अगर आप लोग सिर्फ बंद कमरों में इंडोर गेम्स ही खेलोगे तो कुदरत के इस अनमोल उपहार से आप लोग वंचित रह जाओगे। सही कहते हो शक्तिमान, मैं तो रोज बैडमिंटन खेलूंगी, और मैं फुटबॉल, और मैं कबड्डी। वेरी गुड, तभी आप लोग फिट रहोगे, और जो फिट है सो फिट है। शक्तिमान से आज आपने सीखा कि इंडोर गेम्स तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन बचपन में बच्चों को आउटडोर गेम्स ही खेलने चाहिए। और दूसरी बात, आउटडोर गेम्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आउटडोर गेम्स हॉकी भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, वॉलीबॉल भी हो सकता है, बास्केटबॉल भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, हुतुतु भी हो सकता है। इसलिए बच्चों, कोई भी अपना मनपसंद आउटडोर गेम्स जरूर खेलो, क्योंकि शक्तिमान का कहना है अगर आप लोग आउटडोर गेम्स खेलोगे तो ताजी हवा पाओगे ऑक्सीजन से भरपूर, और अगर आप लोग सिर्फ बंद कमरों में इंडोर गेम्स ही खेलोगे तो कुदरत के इस अनमोल उपहार से आप लोग वंचित रह जाओगे। और आज का शक्तिमान का मंत्र है, जो फिट है सो हिट है।